काफी अरसों बाद पाकिस्तान फिर से गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र से जुड़ी सीमा पर सक्रिय होता नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले के भोलारी में एक आधुनिक सैन्य हवाई क्षेत्र विकसित किया है। इस हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान की वायुसेना चीन द्वारा प्राप्त JF-17 लड़ाकू विमानों को तैनात करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह हवाई क्षेत्र पहले से मौजूद था, लेकिन हाल ही में इसे लड़ाकू विमानों के उड़ानों के लिए किया जाने लगा है। अपनी पूर्वी सीमा पर भारतीय वायुसेना की ताकत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना बड़ी संख्या में चीन निर्मित JF-17 विमान शामिल कर रही है। पाकिस्तान के हैदराबाद बेस से कुछ दूर पाकिस्तानी मरीन के SSG कमांडो ने अपना बेस तैयार किया है, जहां से लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को समुद्री रास्ते से हमले करने की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से इस विस्तार को देखते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के दिशा में नए हवाई क्षेत्र के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस हवाई क्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ से होने वाले खतरे का मुकाबला किया जा सकेगा, लेकिन इसका निर्माण होने में 3 से 4 साल लगेंगे। सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति ने इसी साल इस हवाई क्षेत्र को मंजूरी दी थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने पिछले साल ही 16 नए JF-17 जेट विमान शामिल किए थे। इन लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। पाकिस्तान में पहले से ही 70 से ज्यादा JF-17 हैं। JF-17 लड़ाकू विमान भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस की भांति ही लाइट कॉम्बैट जेट हैं।